हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 का गणित का वार्षिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। भार सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का एक साथ संग्रह वास्तविक संख्याएं कहलाता है। तीन पदों वाले बहुपद को क्या कहते हैं? त्रिपदी बहुपद बोलते हैं। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा मूल बिंदु। संभावित त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री होती है। अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? 90 डिग्री का। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है फोर पाई आर स्क्वायर होता है। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्याएं होंगी। इसमें 2xy भर देंगे। y निर्देशांक को कोटि भी कहा जाता है। क्या कोटि या समन्वय भी लिख सकते हैं। कम से कम तीन बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे बिंदु क्या कहलाते हैं? संरेख कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वे। किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। कितना होता है? 180। सही जोड़ी देख लेंगे। त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र पाई आर एल, ऋजु कोण जो होता है 180 डिग्री का होता है। एक्स अक्ष के निर्देशांक ये x0 क्या होंगे? x0। एक चर में बहुपद ये दिया गया है और पाई का मान 22/7 होता है। सत्त वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदुओं को वर्गचिन्ह कहते हैं। सही है। किसी वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। ये भी सही है। अगला देखते हैं। आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित नहीं करते, ये गलत है। समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त सर्वांग सम होते, ये सही है। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, ये भी सही है। मूल बिंदु के निर्देशांक xy होते, ये गलत। एक शब्द वाक्य में उत्तर बताना है। निर्देशांक अक्ष तल को चार भागों में बांटते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। इसमें संपूरक हो जाएगा। इसमें बराबर हों तो सर्वांग समता कौन कौन सा नियम लगेगा? SSS या भुजा 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 सर्वांग समता नियम लिख देंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का हीरोन का सूत्र क्या हो जाएगा? हीरोन का जो सूत्र होगा √s(s-a)(s-b)(s-c) ये रूट के अंदर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल π r 4π r2। छठ में से हम क्रमशः सभी क्वेश्चन देख लेंगे। ये हमारा छठवा प्रश्न है अथवा में ये दिया क्या है। सातवें वाले में सरल करना है, दोनों को सरल कर देंगे। यहाँ पे ये लिखे हुए हैं। आठवां है न्यूक्लिड की दो अभिरहित लिखिए और न्यूक्लिड की दो अभिधारणाएं लिखना है। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? समचतुर्भुज किसे कहते हैं? दसवां में हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है गोले का, इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है शंकु का। ग्यारहवां है सीधे गुणक किए बिना इसे हम सर्वसमिका से लगाएंगे। बारहवें में मान निकालना है, तेरहवें में भाग करना है। ये चौदहवां है, इसकी जगह ये लिखा हुआ है। पंद्रहवां देख लेंगे, ये हमारा सोलहवां है प्रतिवर्ती कोण की परिभाषा लिखना है अथवा मैं कोणों के रैखिक योगों की परिभाषा लिखनी। ये हमारा सत्रहवां, सिद्ध कीजिए चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। ये अथवा का है, हर का परिमेयकरण कीजिए। अठारहवां है, ये हमारा 19वां प्रश्न है। 20वां देख लेंगे, ये 21वां। बाईसवां प्रश्न देख लेंगे, ये हमारा 23वां प्रश्न है।